सरकार के मंत्री राम सूरत राय अब एक बार फिर से घिरते हुए चले जा रहे हैं। उनके खिलाफ कई सबूत लगातार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विपक्षी दल स्पष्ट कर रहे हैं कि राम सूरत राय इस तरीके के कारनामों में कई बार फंस चुके हैं और कई बार राम सूरत राय का नाम सामने आ चुका है, तो इस पर अब तो सीबीआई को जांच सौंप ही देनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार में इस्तीफे को लेकर तनातनी की स्थिति है, राम सूरत राय ने इनकार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी राम सूरत राय को मनाने में लगी है, वहीं अगर बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी ने स्पष्ट किया है कि राम सूरत राय पहले भी विवादों में रहे हैं, विवादित मंत्री हैं राम सूरत राय। स्पष्ट करें तो विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें सरकार से मांग की है। उन्होंने लिखा है कि विकासशील इंसान पार्टी मांग करता है कि इस पर सीबीआई से जांच कराई जाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि बिहार सरकार के भूमि और राजस्व सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय द्वारा अधिकारियों के किए गए तबादले और उसके बाद तबादलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रोक मामले में सीबीआई से जांच करा ली जाए। रविवार को एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि राम सूरत राय का विवादों से गहरा नाता है। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में शराब पकड़े जाने के बाद इनका नाम सामने आया था, फिर मामला संभवतः रफा दफा हो गया। देवज्योति ने साफ कहा है कि जिस लहजे से सरकार काम कर रही है और नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा किए गए तबादले में कुछ तो बात रही होगी जिससे संज्ञान में लेते हुए सीएम नीतीश कुमार ने इस पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे अधिकारी का भी तबादला सूची में नाम था जिनका अभी 3 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि सूचना तो यहां तक की है, इस तबादले में बड़ी राशि की लेन देन हुई है। देवज्योति ने कहा है कि नीतीश कुमार की पहचान उनके सुशासन और न्याय को लेकर है और इसमें जब मुख्यमंत्री के पास सूचना पहुंची है तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने 30 जून को अंचलाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों का तबादला किया था जिसे सीएम नीतीश कुमार ने रोक लगा दी है। अब वीआईपी ने कई सबूत पेश कर दिए हैं और नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया है। नीतीश कुमार की सभी छवि स्वच्छ और साफ है। नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं झोल कर रहे हैं और इसी को लेकर अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए ताकि बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बीच जो मामला है वो स्पष्ट हो चुके। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।